में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और देखिए अयोध्या में नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिरकार अयोध्या की जनता क्या सोच रही है इस चुनाव में। लेकिन मेरे साथ अयोध्या के बहुत सारे छात्र इस वक्त मौजूद हैं और छात्रों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कई सारे छात्र ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और कई सारे छात्र ऐसे हैं जो वोट तो कर रहे हैं लेकिन उनके मुद्दे बहुत बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि आखिरकार वो इस चुनाव में सोच क्या रहे हैं। हमें सीधा इन छात्रों से ही बात करते हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं? श्री राम की नगरी अयोध्या में इस वक्त हम मौजूद हैं, तो यहाँ का युवा क्या सोच रहा है? देखिए मैम, मेरा नाम विनय कुमार भारती है, मैं LLM का छात्र हूँ और मुझे LLM करने में इतनी समस्याएँ हो रही इस समय इस सरकार में। खासकर मुझे पूरा प्राइवेटीकरण हो गया है, सारी चीज़ों को व्यवस्थाएँ जो हैं सारी प्राइवेट कर दी गई हैं और जो मेरी फीस थी वो मुझे कैश में 50,500 रुपये पन इनम का जमा कराया जाता है। इस हिसाब से मेरे समाज से, जबकि हम एक अनुसूचित जाति समाज से आते हैं और इसमें अगर हमारे समाज के लोग LLM करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। इस सरकार में सारी चीज़ें प्राइवेट कर दी जा रही हैं, इस वजह से पूरा युवा समाज इस सरकार से खपा है। रोज़गार ख़त्म कर दिए जा रहे हैं, रोज़गार ख़त्म करके पूरा उनको बिजनेस कर दिया जा रहा है, बिजनेस मैन लोगों के हाथ में दे दिया जा रहा है। इस वजह से जितने भी युवा हैं और ख़ासकर हम लोग हैं, इस बार जो हम लोग को सरकार चुननी है वो हम लोग अपने इच्छा अनुसार जो हम लोग को रोज़गार दे, हम लोग को सुरक्षा दे। यहाँ का युवा क्या सोच रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? जी मैम, यहाँ का युवा ये सोच रहा है, मैं BEd का छात्र हूँ, मेरा नाम ऋषिकांत है, मैं TET पास हूँ और CTET पास हूँ, प्राइमरी जूनियर दोनों पास हूँ और कोई भी वैकेंसी आप देखेंगे 2018 के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, आई भी है तो उसमें आरक्षण को लेकर तमाम चीज़ें जो है घपला किया गया है इस सरकार में। मैं चाहता हूँ कि सरकार कोई भी आए जो युवाओं की सुने, कम से कम शिक्षा पे काम करे और रोज़गार पे काम करे, महिलाओं पे काम करे, कम से कम महिलाएँ सुरक्षित रहें। बस आने वाली सरकार से हम यही अपेक्षा करेंगे कि खासकर जो शिक्षा है उस पर ध्यान दे और दूसरी तरफ की जो जॉब को नौकरियों को प्राइवेटीकरण कर रही है सरकार ऐसा ना करे, जबकि अगर हम सरकारी संस्थानों में देखेंगे तो तमाम ऐसे पोस्ट हैं, ऐसे विभाग हैं जो खाली हैं, सरकार भरना नहीं चाहती है। तो सरकार से यही उम्मीद होगी, जो भी सरकार बनेगी उससे उम्मीद यही होगी कि उन जो सरकारी विभागों में पोस्ट खाली है ज़्यादा से ज़्यादा उसको भरने की कोशिश करें और हमारे जो गरीब बच्चे हैं जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय में एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी जो फीस है पहले माफ़ हुआ करती थी लेकिन अब वो सब्जेक्ट वाइज जो है फीस को बढ़ा दिए हैं, इसको भी कम करने की उम्मीद है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बेरोजगारी। मेरा नाम दिनेश कुमार, मैं MEd का छात्र हूँ, TET CTET सब पास हूँ और वैकेंसी नहीं आ रही है। और मेन मुद्दा जो होता है बेरोजगारी, जब बड़ी वैकेंसी नहीं आ रही, बच्चे जो है कहीं भर्ती नहीं हो रहे हैं, सारे जगह जो खाली हैं उसमें कम से कम भर्ती निकाला जाए। सबसे पहले हमारे देश का विकास तब हो सकता है कि जब हमारे देश के युवा वर्ग शिक्षित बने और हमारे देश में जो है अच्छे से अच्छे तकनीकी का माध्यम, अच्छे से अच्छे जो एजुकेशन के माध्यम से, जो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, अगर ये सब खुलते हैं। यही यहाँ के युवाओं का मसला है, यही यहाँ के युवाओं की परेशानियाँ हैं, जिनका कहना है कि सिर्फ पदों को निकालने से काम नहीं चलेगा, जो रिक्त पद है उनको भरना बहुत ज़रूरी है। पेपर लीक एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, नौजवानों के लिए जो नौकरियाँ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसको लेकर के ये जो युवा है अयोध्या का, ये इस बार अपना वोट कास्ट करेगा। अयोध्या से वीडियो जो सिमरान के साथ हर्षित टाइम्स नाउ।